सुपरस्टार अभिषेक बच्चन ने इन्हें ऑडिशंस में देखा और इनके फैन हो गए, और वो तो ये भी मानते हैं कि हमारे अगले लिटिल मास्टर को 5 से 13 साल वालों के साथ नहीं बल्कि 15 से 30 साल यानी DID में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए डांसिंग स्टार को भी टक्कर देने वाले लिटिल मास्टर का परफॉर्मेंस देखने के लिए। पेश है फ्रेंड्स की पलटन से मुंबई की शान फैजल खान। ऑल द बेस्ट फैजल, पॉप द स्टेज। थैंक यू सर। चलिए जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और शुरू करेंगे मास्टर गीता से। पहले एपिसोड में जब फैजल ने परफॉर्म किया था और एक आपने बहुत छोटा सा सेक्शन डाला था क्लासिकल का उसमें, और मैंने तब आपको कहा था प्रिंस के जब करोगे अगर करते हो तो बहुत अच्छा करना, वरना अटेम्प्ट मत करना। उसके बाद आज ये परफॉर्मेंस, क्राफ्ट बहुत ही उम्दा। फैजल जो एंगर, जिस अग्रेशन की ज़रूरत थी इस एक्ट में, वो बहुत अच्छी तरह निभाया आपने। वेरी वेरी वेल डन। जो मुझे सबसे फैंटास्टिक मोमेंट लगा आपका वो एंड था, जिस तरह से आपने फ्लिप किया इन द एयर एंड यू लैंडेड। दैट्स डिफिकल्ट, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक चीज़ है जो मुझे, बिसाइड्स वन मोर थिंग जो खटकी है, आपके हाथों का पोजिशन, ओनली वैन इट इज़ आउट, ये स्टेबिलिटी नहीं है, ड्रूप होता है, और वो ड्रूप नहीं होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए, एंड दैट पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही माइनर हैं लेकिन मायने रखते हैं। अदर देन दैट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि एक अलग स्टाइल, प्रिंस ये आपके लिए कि आपने एक अलग स्टाइल करवाया, बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि जब भी आपके कंटेस्टेंट्स आएँ वो अलग अलग चीज़ें अटैम्प्ट करें। And you tried this with him. I'm very proud of you. Thank you so much. Very well done. Outstanding performance. Faisal, आज आपने एक और style को master कर दिया है। Fabulous opening. आपने जिस तरह से जो थेराव से start किया और जो power से end किया, that graph, yes, I think it was a Sanda Babada performance. Thank you so much. Brilliant. Thank you so much. Brilliant, guys. Mind blowing. What energy. Thank you so much, masters.
ग्रैंडमास्टर, आपको फैजल का परफॉर्मेंस कैसा लगा? क्या? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी. फैजल इधर आओ, मेरे पास बैठो. यहाँ बैठो. तुम्हारे डैडी मम्मी को कुछ कहना चाहता हूँ मैं. जिस श्रद्धा के साथ, जिस लगन के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ अपने परफॉर्मेंस दिया, मैं हिंदुस्तान की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई दूसरे धर्म की इज्जत करना चाहे तो इस बच्चे से सीखे. बस थैंक यू. ग्रैंडमास्टर, अब मैं आपको वहां लेकर जाना चाहूंगा जहां पर हमारे लिटिल मास्टर फैजल रहते हैं. उनके लिए ये मंच क्या मायने रखता है ये बताना चाहता हूं. एक नजर यहां पे. बचपन से जानती हूं मैं, मेरे बच्चे के सर का बच्चा है फैजल. फैजल को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, डांस करता था इधर ही, तो इतना हम लोग ध्यान नहीं दिया. आज हमारे मोहल्ले का नाम और निशान एकदम आसमान के ऊपर है. हर आदमी आता है फैजल का घर की तरफ. हीरो बन गया है वो. और हम लोग का मोहल्ले का भी नाम पठान चाल का ऐसा लोग बोलते. मुझे ये लगता था कि ये तो बड़े लोगों का शौक है, ये बड़े अमीर घराने के बच्चे ये सब करते हैं. जिसको मैं ये समझती थी कि ये बेकार है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आज उसका टैलेंट दुनिया भर में देख रहे थे. फैजल के माँ बाप की मेहनत देख के लगता है कि मैं भी ऐसा मेहनत करूँ और अपने पोते को वो उस मुकाम पे जाए. ये मेरा दोस्त ऑटो चला के अपने बेटे को इतने बड़े क्लास में डाल सकता है और वो कुछ बन सकता है, तो मैं भी करूँ. मैं भी कोशिश करूँ, चाहे मुझे कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े. मुझे फैजल को देख के ऐसा लगा कि मेरी बेटी में भी कुछ है टैलेंट. वो पेंटिंग करना चाहती है और पेंटिंग में इतनी आगे है. मैं चाहती हूँ कहीं पर भी उसे ऐसा डालूँ और मेरा सपना पूरा करूँ. फैजल को देख के हमें भी लग रहा है कि हम भी कुछ ऐसा बन सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं. फैजल जब पैदा हुआ मैं कभी सोची नहीं कि मेरे बच्चे की तकदीर, हम लोग, मेरे बच्चे इतना आगे बढ़ेंगे और फैजल के नाम से हम लोग पहचाने जाएंगे. मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं क्या तू कितने लकी है जो तेरा भाई फैजल है, काश हम लोग का भी भाई ऐसा होता. जब लोग कहते हैं कि मेरा बेटा फैजल जैसा बने, फैजल की तरह बनो, तो ये सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही. मैं दुआ करती हूँ कि मेरा भाई TIT में पहले नंबर से पास हो. चाहूंगा आपके सारे दोस्तों को कि जिस मोहल्ले में ऐसा बच्चा रहता है वो कितना अमीर होगा. गरीबी वहां कैसे आ सकती है? और दूसरी बात, जिन जो जो चाहते हैं कि बच्चे फैजल को देखने के बाद कि हम भी ऐसा बने, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ पैसा रहने से आदमी बड़ा नहीं बनता. हुनर चाहिए, जिगर चाहिए और इस बच्चे की तरह सच्चाई चाहिए. ये तीनों अगर आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. क्या बात है? यही मैजिक की बात है. मैं फैजल के पिताजी से बात करना चाहूँगा. कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील होता है. जब कभी मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो पहले फैजल को मेरे नाम से जानते थे लोग, और आज जब भी जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे इसके नाम से जाना जाता है कि ये देखो फैजल के पापा हैं. तो इस बच्चे की तकदीर से हमारी भी तकदीर बन गई है. इन्होंने इतनी उम्मीदें जगाए हैं इतने सारे बच्चों में. आई थिंक ये आसान नहीं है ये. और उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे और फैजल हमें देखने मिलेंगे. फैजल, आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं,
बहुत लोगों का आशीर्वाद है, बहुत प्यार है। अगर इसको कभी आप खोना नहीं चाहते तो इसी तरह सच्चाई से और लगन से काम करते रहना बेटा, नथिंग कैन होल्ड यू बैक, नथिंग। एक बात बोलना चाहूँगा, बोलूँ क्या? बोलो। मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ मिराज एकेडमी, तो उसमें जब भी मैं मेरे प्रिंसिपल से बोलता था कि मुझे यहाँ पर डांस के लिए जाना है, मुझे छुट्टी दो, तो मुझे छुट्टी देते थे, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रिंसिपल, थैंक यू। ज़रूर बोलो। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल, आपकी वजह से भी मैं यहाँ तक आया और मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिला था आपकी वजह से। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत 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 थैंक यू कि आपने उन्हें मौका दिया इस लड़के को, थैंक यू सो मच। आप मुझे वोट करने के लिए मिस कॉल दे सकते हैं 1800200560 पर, और याद रखिए कि प्लीज़ मेरा 02 कोड नंबर है, और मुझे वोट रखिए, वोट करते रहिए, और मुझे फर्स्ट पोजीशन से ना हटाए, और मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहूँगा। क्या बात है। और एक बात बता दूं कि पिछले हफ्ते हमें ढेर सारे वोट्स मिले और उसके कारण हमारी वोटिंग लाइन्स क्रैश हो गई हैं, इसीलिए कंटेस्टेंट्स का मिस कॉल नंबर हमें बदलना पड़ा। याद रखिए, इस हफ्ते से हमारा मिस कॉल नंबर चेंज हुआ है, लेकिन इन कंटेस्टेंट्स के कोड सेम हैं। हमारा नया नंबर है 1800200056, और कंटेस्टेंट्स के कोड्स तो आप जानते ही हैं, तो प्लीज 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 ढेर सारे वोट्स करते रहिए। एंड फॉर नाउ लेट्स हियर इट फॉर फैज़ल। थैंक यू। Woo!